हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाफ पार्ट ऑफ चैप्टर कवर कर लिया, जहां पर हम लोगों ने सीखा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन और उनके टाइप्स। फिर हमने बात की बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की, जहां पर हमने दो मेन इंपॉर्टेंट मैथड सीखे थे, एक आयन इलेक्ट्रॉन मैथड और दूसरा था आपका ऑक्सीडेशन नंबर मैथड। उसके बाद मैंने आपको इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अभी तक आपने जो भी कुछ यहां पर पढ़ा वो सब एप्लीकेशन पार्ट था, वो आपका बेस था, हमने बेस क्रिएट कर लिया। अब उस बेस को आप इस चैप्टर के अगले पार्ट में यूज किया करोगे, ठीक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक, अब आपने जो भी कुछ सीखा है उसे आप यहां पर यूज किया करो। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको इसके बारे में दे दूं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट मास के बारे में। कुछ लोग इक्विवेलेंट मास का नाम आते ही उनकी धज्जियां उड़ जाती है, धज्जियां जानते हो ना, हाँ, उनका मतलब मोरल डाउन हो जाता है, बिल्कुल खत्म। कह सकते हैं यार इक्विवेलेंट मास पता नहीं क्या चीज़ आ गई, बड़ा अजीब सा लगता है। मोलर मास समझ में आता था, बड़ी मुश्किल से मोल कंसेप्ट से मोलर मास सीखा था, ये नई चिड़िया आ गई इक्विवेलेंट मास और ये ले डूबती है सबको। देखो इक्विवेलेंट मास बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत बेसिक्स आपको इसकी ध्यान रखने हैं। आप लोग क्या करते हो, एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ट्विस्टेड सी लैंग्वेज होती है, बट हाँ अगर आप उसको तमीज से प्रैक्टिस करो तो वो लैंग्वेज बड़ी आसान हो जाती है आपके लिए। दूसरा, आप क्या करते हो, फॉर्मूला रख लेते हो, आपको बेसिक मतलब पता ही नहीं होता कि इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्यों है, क्यों वो चीज़ों को यूज कर रहा है। एक्चुअली अगर आप देखो तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्वेश्चन को बड़ा आसान कर देता है, जहां मोल कंसेप्ट में आपको रिएक्शन को बैलेंस करके इधर से उधर का हिसाब लगाकर फिर कैलकुलेशन करनी होती है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट उस चीज को बिल्कुल गायब कर देता है। कैसे गायब करता है वो तो आप देखोगे, बट मेरे साथ साथ चलें, बहुत ध्यान से एक एक चीज के ऊपर ध्यान दें, है ना, ध्यान से ध्यान दें, मतलब समझने की कोशिश करें, रटे नहीं फॉर्मूले को। पहले अपन बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे, फॉर्मूले भी अपन खुद जनरेट करेंगे, ठीक है ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आओ शुरू करते हैं अपने टॉपिक से, जिसका नाम है इक्विवेलेंट मास। जो आपने लोगों ने जितना भी एन फैक्टर वगैरह कैलकुलेट करना सीखा है उस चीज़ को अब यहाँ पर काम लिया करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इक्विवेलेंट मास की एक बेसिक डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक। और पहले आप इस बेसिक डेफिनेशन को समझें, फिर इसके थ्रू हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जिस फॉर्मूले को हम यूज़ किया करेंगे। ऑल्दो अब हम इस डेफिनेशन को ज़्यादा काम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इस बेसिक डेफिनेशन से क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या है अपनी बेसिक डेफिनेशन, इसको लिखना शुरू करते हैं। देखो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इज the mass of an element which can combine or displace, ठीक, जो combine भी हो सकता है और displace भी कर सकता है, किसको, ये आप ध्यान दें, ये displace कर सकता है 1 gram hydrogen, या तो ये 1 gram हाइड्रोजन से कंबाइन हो या फिर 1 gram हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, या फिर 8 gram ऑक्सीजन, या फिर 35.5 gram क्लोरीन, या फिर 108 gram सिल्वर। तो ये क्या थे, कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे जो जनरली कंपाउंड फॉर्म करते थे, ऐसे नहीं और नहीं करते हैं, लेकिन इनके बेसिस पर ये डिफाइन किया गया कि किसी भी एलिमेंट का वो मास जो 1 gram हाइड्रोजन से या तो रिएक्ट कर ले या उसको कहीं से रिमूव करते, 8 gram ऑक्सीजन से कंबाइन हो, 35.5 gram क्लोरीन से कंबाइन हो, या फिर 108 gram सिल्वर से कंबाइन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका इक्विवेलेंट मास कहते हैं। यहां से जो एक चीज आपको इंपॉर्टेंट समझनी और ध्यान रखनी वो ये है कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास हम 8 लेकर चलते हैं, क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास हम 35.5 लेकर चलते हैं, और सिल्वर का इक्विवेलेंट मास हम कितना लेकर चलते हैं, 108 ग्राम। और इनके बेसिस पर हम बाकी एलिमेंट्स का क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास डिफाइन करते हैं और डिटरमाइन करते हैं। तो मैं आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन से लेकर चलता हूं, कैसे हम ये जो डेफिनेशन लिखी है उसको हम कैसे जस्टिफाई करें, कैसे हम इक्विवेलेंट मास इससे कैलकुलेट करें। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एमजी की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, ठीक,
क्या आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो? हाँ, वेरी गुड, MgO बनेगा। अब आप चाहो तो 2Mg plus O2 gives 2MgO लिख लो, या फिर आप चाहो तो Mg plus half O2 लिख लो। बोले चीज समझ में आती है। चलो अब इस रिएक्शन में मुझे मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास ढूंढना है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, जैसे मोलर मास होता है, बताओ मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है? हाँ, वेरी गुड, 24 ग्राम्स होता है, और ये फिक्स होता है। आप मैग्नीशियम को कहीं पर भी उठा के ले जाओ, किसी भी रिएक्शन में रख दो, मैग्नीशियम का मोलर मास हमेशा कितना होगा? 24 ग्राम होगा, सही है। लेकिन इक्विवेलेंट मास के साथ ये केस नहीं होता है। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास फिक्स्ड नहीं होता है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने बताया। हाँ, ये मैंने बताया, लेकिन इनके कॉमन रिएक्शन में इक्विवेलेंट मासेस हैं। मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा इसका इक्विवेलेंट मास इतना होगा। जनरल रिएक्शंस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिल्वर, इन सबके इक्विवेलेंट मास ये होते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए फिक्स हो ये जरूरी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान रखना। मैं यहीं पे पॉइंट बना के लिख देता हूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स, या चेंजेस लिखता हूं राधा, आप तो सिंपल चेंजेस विद इट्स रिएक्शन, चेंजेस विद टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक, अलग अलग रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास अलग अलग आ सकता है। तो आप कभी मत सोचना कि एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, सही है। चलो अब इधर आके बात करते हैं, इधर आके हम क्या बात करें, इधर आके हम बात करते हैं कि आप मुझे बताओ यहां मैग्नीशियम कितना काम में रहा है। चलो, मोल कंसेप्ट याद है, हम क्या बोलते थे कि भाई यहां से 1 मोल मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है? हाफ मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है? 1 मोल MgO बना रहा है। ये होता है मोल कंसेप्ट। क्या आप मुझे मैग्नीशियम के 1 मोल का मास बता सकते हो? सिंपल, मोल से मास निकालना है, इनटू मोलर मास कर दो, तो 1 इनटू इसका मोलर मास 24, तो यहां पर 24 ग्राम मैग्नीशियम। हाफ मोल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 होता है, हाफ मोल का मास कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 32, दैट इज 16 ग्राम्स होगा। तो अब आप यहां से देखो, मैं यहां से कैसे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं बोलूंगा कि भाई देखो, 16 ग्राम ऑक्सीजन, या फिर ऐसा बोलो 24 ग्राम मैग्नीशियम कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? 16 ग्राम से, सही है। तो हम बोलेंगे यहां से कि 16 ग्राम O2 कंबाइंस विद कितना? 24 ग्राम Mg। तो बताओ 1 ग्राम O2 विल कंबाइन विद, बताओ कितने मैग्नीशियम से कंबाइन होगी? 24 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम से, बोलो होगा? तो अगर 16 ग्राम 24 ग्राम से कंबाइन हो रहा है, तो बताओ 1 ग्राम कितने से कंबाइन होगा? 24 ग्राम से। और आप मुझे बताओ हम इक्विवेलेंट मास किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास वो मास होता है जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता हो। सो 8 ग्राम O2 विल कंबाइन विद कितना? 24/16 × 8, दैट इज 12 ग्राम मैग्नीशियम। यानी इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना है? 12 ग्राम है। बोलो, बात समझ में आ रही? तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक एलिमेंट का कितना मास 8 ग्राम ऑक्सीजन से, या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन से, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से, या फिर 108 ग्राम सिल्वर से कंबाइन हो रहा है। समझ में आता है? चलिए, तो ऑक्सीजन की बात, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक, चलो हम दूसरी रिएक्शन लेते हैं। मान लो मैं रिएक्शन करवाता हूं नाइट्रोजन की विद हाइड्रोजन, और ये क्या बनाएगा? 2NH3 बनाएगा, सही है। फिर से मोल कंसेप्ट लगाओ, बताओ मोल कंसेप्ट खुद ही बोल रहा है, यहां पर कितना नाइट्रोजन है? 1 मोल, यहां पर कितना है? 3 मोल, और यहां पर कितना है? 2 मोल। ठीक, चलो, क्या आप मुझे 1 मोल नाइट्रोजन का मास बता सकते हो? वेरी गुड, कितना आ गया? 28 ग्राम्स। ठीक है, क्या आप मुझे 3 मोल हाइड्रोजन का मास बता सकते हो? तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2, 3 × 2 कितना हो गया? 6 ग्राम। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालना है। चलो फिर से प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप रिएक्शन की शक्ल देखो और मुझे बताओ कौन किससे कंबाइन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 6 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद कितना?
28 ग्राम नाइट्रोजन होगा, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो बताओ 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन होगा, 28/6 होगा ग्राम N2। अब आप चलो वापस से अपनी डेफिनेशन पे, हमने क्या बोला, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास वो मास होता है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन हो। देखो यहां पर 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है, 28/6 ग्राम, यानी इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो कितना होगा, 28/6 ग्राम्स होगा, जिसको आप 14/3 भी लिख सकते हैं। बोला बात समझ में आ रही है? तो बस इस तरह से इक्विवेलेंट मास की बेसिक डेफिनेशन डिफाइन की जाती है, जहां पर हम ये कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का वो मास जो, बोलो, हाँ, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर के साथ कंबाइन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसका इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो इसमें एक ना फंडा है, ऑक्सीजन में बोलता हूं तो ये चीज बोला ना, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 होगा, तो जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स, जैसे आपने यहां देखा कि MgO बन रहा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो जब भी कभी ऑक्साइड फॉर्म होगा तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास हमेशा 8 होगा। क्यों, 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूं। ऐसे ही ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड्स बोलते हैं अपन इनको, तो जब भी हाइड्राइड बनेगा तो वहां हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 होगा, जब भी कहीं क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड, वहां पर क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास हमेशा कितना होगा, 35.5 ग्राम होगा। क्यों, इसका आंसर मैं आपको अभी देता हूं। देखो ये थी बेसिक डेफिनेशन, अब इस बेसिक डेफिनेशन से हम क्या करने जा रहे हैं, एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। कैसे, बहुत ध्यान से देखना, मैं दोनों रिएक्शंस को वापस से रिपीट कर रहा हूं, तो आपको, चलो आपको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आपने कॉपी में लिखा है वहीं पे आप ये काम चला सकते हो। मैं अपना असला ले लूं, बस देखो बहुत ध्यान से देखना फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं। आप देखो ये मैग्नीशियम, अगर मैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस की बात करूं तो आप मुझे बताओ किस किस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, मैं सब गायब कर रहा हूं यहां से, बताओ मैग्नीशियम यहां कौन सी स्टेट में है, वेरी गुड, 0। ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है, ये भी 0। बताओ यहां मैग्नीशियम कौन सी स्टेट में आ गया, +2, और ये जो आपका ऑक्सीजन है ये कौन सी स्टेट में आ गया, -2, ठीक है, चलो इसको 0। अब आप मुझे बताओ इनके एन फैक्टर्स, यहां पर मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना है और ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना है, हाँ जी, वेरी गुड, मैग्नीशियम का एन फैक्टर दिखाई दे रहा है कितना है, 2, तो इस इन भाई साहब का एन फैक्टर तो है 2, ठीक है, बताओ ऑक्सीजन का एन फैक्टर, तो ऑक्सीजन गया 0 से कहां पर, -2, बताओ कितने का चेंज, 2, इनटू कितना ऑक्सीजन, 2, बताओ टोटल चेंज कितने का आ गया, 4, तो यहां से आपको ऑक्सीजन का भी एन फैक्टर दिखाई दे रहा है वो कितना है, 4 है। चलो अगर आपको यहां पर एन फैक्टर्स दिखाई दे गए हैं तो फिर अब हम आगे चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये जो आपकी रिएक्शन है, मैग्नीशियम +½O2 गिव्स MgO। अच्छा ये डाउट तो नहीं ना कि हाफ क्यों नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम एन फैक्टर के टाइम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहां पर दिख चुका है कि भाई यहां पर मैग्नीशियम का एन फैक्टर जो है वो तो है 2 और ऑक्सीजन का जो एन फैक्टर है वो कितना है, 4, सही है। आप मुझे बताओ यहां पर हम ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना लेकर चलते हैं, 8, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक। अब आप देखो मैग्नीशियम 0 से गया +2 स्टेट में, मैग्नीशियम का एन फैक्टर है 2, बताओ आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आया था, 12, देखो आया था ना 12, अभी अपन ने बेसिक डेफिनेशन से कैलकुलेट किया था। अब आप देखो अगर मैं इस रिएक्शन में मैग्नीशियम के मोलर मास को, बताओ कितना होता है, 24 ग्राम, उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर दूं, बताओ वैल्यू आपको फिर से क्या मिलेगी, 12 ग्राम, मिल रहा है ना। आपने क्या किया, मैग्नीशियम का मोलर मास लिया, उसको मैग्नीशियम के एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, देखो वैल्यू कितनी मिल गई, 12 ग्राम, यही तो इक्विवेलेंट मास था। तो देखो यहां से हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम निकाल दिया, निकाला। अच्छा बताओ यहां पर आपने ऑक्सीजन का कितना लिया था इक्विवेलेंट मास, 8 ग्राम होता है, अभी बताया था मैंने आपको, तो 8 ग्राम कैसे आया, देखो अगर मैं लिखना चाहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है, तो O2 का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा,
निकालो इसका मोलर मास। तो O2 का मोलर मास कितना होता है 32 डिवाइड बाय, बताओ इसका एन फैक्टर कितना है 4। देखो वैल्यू कितनी आ गई 8। ये लिया था आपने, आ रही बात समझ में? आओ आओ आगे आओ, अभी नहीं, अभी तो चीजें और ठीक करते हैं। देखो आपने भी बोला था कि इस रिएक्शन में जो इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन है वो 28/6 है, यही बोला था। चलो निकालो एन फैक्टर्स वापस से। अच्छा बताओ हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना लिया था हमने यहाँ पर 1। तो देखो नाइट्रोजन यहाँ कौन से स्टेट में है 0, बताओ यहाँ नाइट्रोजन कौन से स्टेट में पहुंचा -3। 0 से -3 कितने का चेंज 3 इंटू कितना नाइट्रोजन 2 = 6 हुआ, बताओ। अब अगर मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन है निकालना चाहूं तो मैं यही चीज यूज कर रहा हूं कि मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट का नाइट्रोजन का मोलर मास 28 डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर कितना 6। सेम आ रहा है मुझसे, क्यों बोले हाइड्रोजन मास, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालो आप, तो निकाल देते हैं। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2 डिवाइडेड बाय, यहां आप हाइड्रोजन का एन फैक्टर निकालो तो हाइड्रोजन यहां था 0, यहां पहुंचा +1 स्टेट में, 0 से +1 1 का चेंज इंटू 2 हाइड्रोजन दैट इज 2, तो डिवाइड बाय 2 वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना हो चुका है 1 हो चुका है, बोलो समझ में आ रहा है? तो ये होता है बेसिक्स ऑफ फंडा। अब मुझे पता है आपको दिख चुका है फॉर्मूला, क्योंकि हो सकता है आपने फॉर्मूला पहले सुना हुआ भी हो, पढ़ा हुआ भी हो, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आया होगा, किसी ने लिखवा दिया होगा कि ऐसा होता है, क्यों होता है, ये रहा उसका लॉजिक। बेसिक डेफिनेशन से आपने ये फॉर्मूला बनाया है, अब हम इस फॉर्मूले को सिंस हमने खुद बनाया है तो जो चीज़ आप खुद बनाते हो वो आपको हमेशा याद रहती है, यही अपने लॉजिक्स होते हैं। आप चीज़ों को समझें कि ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ कैसे आई, उसके बाद आपको कभी भी उनको रटना नहीं पड़ेगा। फाइनली हम लोग एक बहुत सिंपल से फॉर्मूले के ऊपर पहुंच चुके हैं, क्या आप मुझे किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास का एक जनरल फॉर्मूला बना के दे सकते हो? तो बिल्कुल दे सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास या फिर एक और नाम होता है जिससे आप लोग कंफ्यूज होते हो, दिस इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो हम इक्विवेलेंट मास बोल लें और ग्राम इक्विवेलेंट मास बोल लें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्या आपको एटॉमिक मास और मोलर मास में डिफरेंस पता है? पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 28 AMU और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28 ग्राम। सेम वही डिफरेंस होता है इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास में। ऑल्दो इस चैप्टर में हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती है डिफरेंस की, इसलिए हम ग्राम इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास को एक ही लेकर चलते हैं, बट सिर्फ इक्विवेलेंट मास बोलो तो वो एम यूज में होगा और ग्राम इक्विवेलेंट मास बोलो तो वो आपके पास वापस से किस में होगा, ग्राम्स में। खैर आपको इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में आप तो इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास दोनों क्या लेकर चलोगे, सेम, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बस ये हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय उस एलिमेंट का एन फैक्टर, ठीक है? तो ऑल्दो डेफिनेशन वाइज दोनों में डिफरेंस होता है लेकिन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। आप जब भी यहां यूज करोगे वो ग्राम इक्विवेलेंट मास ही होता है, ठीक है? इक्विवेलेंट मास बोल देते हैं, जब हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो हम जनरली ग्राम इक्विवेलेंट मास यूज करेंगे। तो आपको याद रह जाता है, कभी कभी ये लिखा हुआ मिलता है ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज मत होना, आपको तो दोनों को लेकर चलना है सेम, और सेम तरीके से आप इनको क्या करोगे, यूज करोगे। आई बात समझ में? तो यहां से हमने डिफाइन किया इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपन पहले से यूज करते आ रहे थे, मैंने आपको बताया भी था कि मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, ये कैसे आता है वो मैं आपको बाद बताऊंगा। तो आप इसे कॉपी करो फिर हम लोग मूव करते हैं आगे। तो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी इस फॉर्मूले की कि इक्विवेलेंट मास, और वैसे मैं आपको एक लिखवा चुका हूँ बट स्टिल हमने टॉपिक कवर किया, तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से आपका एन फैक्टर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा कि देखते हैं आपने क्या इसके अंदर सीखा है, और दूसरा हम लोग इक्विवेलेंट मास के इस फॉर्मूले को भी यूज कर पाएंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2। इन द फॉलोइंग रिएक्शन,
And the reaction is this H3PO2 is changing to PH3 plus H3PO3. एक आप ये सॉल्व करो, जब तक मैं आपके लिए एक और दूसरा क्वेश्चन तैयार करता हूं. द क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeS2 इन द फॉलोइंग कन्वर्जन. FeS2 changes to Fe2O3 plus SO2. हाँ जी, फटाफट से ट्राई करें और आंसर मुझे बताएं. हाँ जी, हो गया सॉल्व. चलो, तो इसका जो आपके पास इक्विवेलेंट मास का आंसर आएगा वो आएगा 3m/4, जहां पर m इसका मोलर मास है, है ना. आप वैल्यू लिखना चाहो तो 31 + 3 = 34, 34 + 32 = 66. तो 3 × 66/4 ऐसे ही इसका आप निकालोगे तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट मास आएगा m/11. कितना आएगा? m/11. तो देखो, मुझे वैसे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, है ना. मेरी उम्मीद पे तो आप हमेशा ही खरे उतरते हो, लेकिन बाय चांस अगर कभी कभी क्या होती है, उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं. तो अगर उम्मीद ज़्यादा हो चुकी है तो देखो कैसे इनको सॉल्व करेंगे. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जिनने कर लिया वो स्किप कर सकते हैं, देखना चाहे तो देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो बड़े ही ध्यान से देखें अपनी छोटी सी आंखें बड़ी बड़ी खोल के. बताओ यहाँ पर फॉस्फोरस का क्या हो रहा है? हाँ, डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है. कैसे हो रहा है? यहाँ फॉस्फोरस की स्टेट निकालो आएगी +1, यहाँ पर ये आ रहा है -3 और यहां पर ये आएगा +3. तो ये है इसका ओवरऑल कन्वर्जन. फॉस्फोरस +1 से -3 और +3 दोनों जगह जा रहा है, तो एक लोअर एक हायर, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है. तो बताओ डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला होता है n1n2/n1+n2. तो यही आपने मिस्टेक की होगी, ठीक है. ध्यान नहीं दिया कि डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है. अब आप देखो, फॉस्फोरस के लिए +1 से -3 कितने का चेंज? 4. +1 से -3 जा रहे हो ना, और यहां फॉस्फोरस के लिए +1 से +3 कितने का चेंज? 2. तो n1 के वैल्यू 4 ले लो, n2 के वैल्यू 2 ले लो, तो 2 × 4/2+4, तो ये बन गया 4/3. अब देखो, अगर इसका n फैक्टर 4/3 है तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलर मास अपॉन n फैक्टर, दैट इज 3m/4. सही हो आपने पहले पार्ट का आंसर. इक्विवेलेंट मास, आपको जिस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालना है उसके मोलर मास को आप n फैक्टर से डिवाइड कर दो. बात समझ में आई? सेम ऐसे ही आप यहां पर बात करें तो ये स्पेशल केस है, मैंने इसीलिए इसको दिया है, मैंने इसे n फैक्टर में कैलकुलेट करवाया था. ये आयरन सल्फाइड नहीं है, सल्फाइड से करोगे आंसर गलत ही आना है. ये आयरन पाइराइट्स है, इसको आपको समझना होगा. ये दिखता नहीं इतनी आसानी से. FeS आयरन सल्फाइड होता है, यह FeS2. तो यहां पर S2 होता है 2- में, सल्फर होता है +2, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर -1 होती है. तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं एग्जैक्ट. सल्फर यहां -1 है, Fe यहां पर +2 है. फर्दर Fe कहां कहां कन्वर्ट हो रहा है वो आप देखो कन्वर्जन. तो Fe यहां पर पहुंचा +3 स्टेट में और सल्फर यहां पर पहुंच चुका है +4 स्टेट में. चेंजेस निकालो, Fe +2 से +3 गया, कितने का चेंज? 1. और सल्फर -1 से कहां पहुंच गया? 4. कितने का चेंज? 5 × 2 सल्फर कितना हो चुका है? 10. अब आप ध्यान देखो, ऊपर वाले में तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा था, यहां पर क्या हो रहा है? एक कंपाउंड में दोनों एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है. याद है केसेस आपको, ठीक है? तो दोनों का बदल रहा है. अब आप ये देखो, दोनों का ही बढ़ रहा है, दोनों का एक कम हो रहा है, या एक का बढ़ रहा है और एक का कम हो रहा है, उसी हिसाब से मैन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. तो देखो, Fe +2 से गया +3 में, बढ़ रहा है. सल्फर गया -1 से +4 में, ये भी बढ़ रहा है. तो अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं तो एन फैक्टर निकालने के लिए हम दोनों के चेंज को क्या कर देंगे? वेरी गुड, एड कर देंगे. तो 1 + 10 = 11. या अगर इसका एन फैक्टर, अगर इसका एन फैक्टर 11 है तो बताओ इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? मोलर मास /
आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस और इनके आंसर्स अगर आपसे नहीं हुए तो ध्यान दें, यही अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको हर क्वेश्चन करने से पहले इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना ही होगा और करना ही होगा। ठीक, चलो अब इनको आगे यूज करेंगे। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डिफाइन करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक और नई चीज सीखने जा रहे हैं। तो नई चीज क्या है अभी बताते हैं आपको। नई चीज है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, या फिर आप इन्हें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं और कैसे उन्हें कैलकुलेट करते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं। याद है आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना। तो दोनों पैरेलल चलते हैं, बहुत ध्यान से देखें। क्या आप मुझे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बता सकते हो? बताओ, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स बोल दो या फिर आप नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बोल दो। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स बोल लो या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बोल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, क्या होता है? गिवन मास अपॉन क्या होता है? मोलर मास। ठीक, तो इन जनरल नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं। कई बार आप यहां पे नंबर ऑफ ग्राम मोल्स लिखा हुआ देख सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स वगैरह भी लिखा हुआ देख सकते हो। ठीक है, ग्राम मोल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम मास को भी ग्राम में यूज करते हैं और मोलर मास को भी ग्राम्स में यूज करते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको ये मोल्स का फॉर्मूला याद है तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है। आप बोल दो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, क्या बोल दो? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, दोनों का एक ही मतलब है। तो कई बार हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोला करेंगे, कई बार हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोला करेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेम, गिवन मास। तो देखो, जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो तो आप मोलर मास से डिवाइड कर रहे हो। बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालोगे तो क्या करोगे? बस खत्म गेम। आप यहां पर इसके ग्राम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करोगे, है ना? मतलब इक्विवेलेंट मास को आपको ग्राम में लिखना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास 12 है, हाँ, तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला सिंपल इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसे ग्राम इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो बहुत फर्क पड़ने वाला है, बहुत फर्क। तो एक तो ये फॉर्मूला, मैं आपको ना ओवरऑल तीन फॉर्मूले सिखाऊंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए। उन तीन के अलावा आपको कभी भी फोर्थ फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस सीरीज का यह आपका पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अगर आपके पास किसी सब्सटेंस का मास है तो उसे उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, आपको उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। सही है? कोई डाउट? क्लियर सब कुछ? चलो अब चलते हैं दूसरा फॉर्मूला बनाने की तरफ। सारे फॉर्मूले हम इधर उधर से ही बनाएंगे, तो ये दूसरा फॉर्मूला यहीं से बनाएंगे हम। आप देखो, अगर मैं यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला देखूं तो चलो वाइट यूज कर लेते हैं हम। तो ठीक, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इनको हम जनरली एन ई लिखते हैं, उसका फॉर्मूला आपने लिखा गिवन मास, ठीक, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। बताओ इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है? नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का नहीं, इक्विवेलेंट मास का। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला भी हमने सीखा था, क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो यहां पे आप इक्विवेलेंट मास की जगह लिख दो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब आप देखो, ये एन फैक्टर वाला टर्म तो ऊपर आ जाएगा, आएगा। बताओ यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एन ई किसके इक्वल हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर के। बोलो ऐसा होगा? बिल्कुल सही है। आप बताओ, कुछ दिख रहा है?
हाँ वेरी गुड, अरे वाह आप तो बहुत समझदार हो। ये चीज क्या हो गई, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो क्या हो गया मोल्स। तो अगर ये मोल्स हो गया तो हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला आ चुका है कि अगर आपको किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं एन ई, तो वो किसके इक्वल होंगे, उसका मोल्स दैट इज एन इंटू उसका एन फैक्टर। तो ये सेकेंड फॉर्मूला जो मैं बहुत ज्यादा यूज किया करूंगा टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अगर ये फॉर्मूला तो है ही, पर इससे ज्यादा ये बढ़िया रहता है क्योंकि मोल्स निकालना आपके लिए ज्यादा आसान काम होता है। तो अगर आपको कभी किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो आप उसके मोल्स निकालो और उसके मोल्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप वहां से उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये सेकेंड फॉर्मूला जिसको हम लोग यहां पर यूज किया करेंगे, इसको हम नाम देते हैं नंबर टू। कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं अपने थर्ड फॉर्मूले पे। तो थर्ड फॉर्मूले पे मूव करने से पहले हमें यहां पर एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, इसे हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मैलिटी। तो आओ बात करते हैं नॉर्मैलिटी क्या होती है और कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मैलिटी शुरू करने से पहले हम एक बार दोनों फॉर्मूले को थोड़ा यूज करना है ना, ऐसे ही सिंपल से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लो कि मुझसे बोलता है, क्वेश्चन है सिंपल की कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 31.6 ग्राम KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो हम दोनों ही फॉर्मूले यूज करके देखेंगे। देखो KMnO4 कह रहा है एसिडिक मीडियम में, कुछ याद आया? हाँ, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एनफैक्टर कितना होता है? 5, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये जो आपका KMnO4 है, MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम, ये किस में कन्वर्ट होता है? Mn2+। तो एनफैक्टर कितना हो गया? 5। अब आप ध्यान दें, आपसे कंपाउंड क्या बोला गया है? KMnO4 बोला गया है ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो MnO4 माइनस को ही काउंट कर लेते हैं, बोलते हैं कि चेंज तो इसी में हो रहा है। भाई MnO4 माइनस आया किससे? KMnO4 से। तो आपको चाहे एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा हो, यहां पर सिर्फ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, लेकिन ये n फैक्टर पूरे कंपाउंड का होगा। ये मैं आपको n फैक्टर कैलकुलेट करते टाइम भी बता चुका हूं, मैं आपको यहां पर भी बता रहा हूं क्योंकि इसमें कई लोग मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करनी है, वो लोग बुद्धू हैं, आप थोड़े ना हो, नहीं हो ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना, यहां पर हम पूरा KMnO4 का n फैक्टर 5 लेकर चलेंगे, बस हो गया सॉल्व। अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 चाहिए तो वो क्या होंगे, उसका मास 31.6 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट मास। कौन सा मास? इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास। इसका आप मोलर मास निकालोगे 158 आएगा, पोटेशियम 39, मैग्नीज 55 और 16 × 4 = 64, 81 158। ठीक, ये तो आया इसका इक्विवेलेंट मास। तो देखो, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अल्टीमेटली फॉर्मूला बनेगा 31.6 अपॉन 158 × 5। इसको आप सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 बन जाएगा ना, 5 को 10/2 लिख लो। तो देखो ये 316 गया, आंसर कितना जाएगा 1, यानी यहां पर इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 1। ये तो वह फर्स्ट फॉर्मूले से, आप सेकंड से भी कर सकते हो, पहले से ही मोल्स निकाल लो। तो मोल्स ऑफ KMnO4 कितने होंगे, इसका गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास, जो आ जाएगा 0.2 आ गया। एक बार मोल्स आ गए तो मोल्स से आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे, मोल्स इंटू एन फैक्टर 5, फिर से कितना आ गया 1 आ गया ना। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मुझे एक दो बेसिक चीजें सिखानी थी, एक तो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो ये चीज आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में किया करोगे, या तो इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से, या भी हम मूव करेंगे अपने थर्ड फॉर्मूले पे, उसको यूज करके आप क्या किया करोगे, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया करोगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वो थर्ड फॉर्मूला कैसे आएगा। तो देखो, थर्ड फॉर्मूला आएगा एक टर्म से जिसको हमें पहले सीखना होगा, और उस टर्म का नाम है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। हाँ,
ये नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की ही बहन है, याद है ना, मोलैरिटी आपने पढ़ा था। तो आओ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और उसी के हिसाब से हम नॉर्मेलिटी को डिफाइन भी करते हैं, इसको यूज़ भी करेंगे और इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, क्या आप मुझे मोलैरिटी के बारे में कुछ बता सकते हो? मोलैरिटी याद है, मोलैरिटी जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे। हाँ बताओ कैसे डिफाइन करते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, है ना, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेजेंट बोल लो, डिसॉल्व्ड बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सब्सटेंस के जितने भी मोल्स डिसॉल्व्ड होते थे उसे हम क्या बोलते थे? उसकी मोलैरिटी, याद है? बस हाँ, वेरी गुड, हो गया काम खत्म। बताओ यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या यूज करना है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो अब अगर हम नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिखें तो बताओ उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी नॉर्मेलिटी। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मोल्स को इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते हुए चलो फॉर्मूले अपने आप बनते जाएंगे। जैसे कि आपने कहा मोलैरिटी, बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? मोलैरिटी कैपिटल एम का फॉर्मूला बनता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब बताओ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना? बहुत ध्यान से देखते जाओ, जो आपने सीखा हुआ है हम उसी को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। अगर हम यहीं पर बात करें नॉर्मेलिटी की कैपिटल एन, तो बताओ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ वेरी गुड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, पूरा लिखता हूं यहां पर ना, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें? लीटर में। तो अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिखेंगे n बाय v, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और इसको मैं लिखूंगा n e, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। सही है? तो ये तो हुआ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। किसी भी सब्सटेंस के उस सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट्स हैं उससे सॉल्यूशन के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो इन लीटर्स, तो आपको मिल जाएगी नॉर्मेलिटी। बट हाँ, मैं आपको ये फॉर्मूले की जगह दूसरा फॉर्म याद रखने को कहूंगा, क्योंकि ये तो बहुत रेयर काम में आएगा। आपके काम में क्या आएगा? आपको नॉर्मेलिटी दी होगी, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया होगा, और आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। जैसे याद है मोल्स, हमें अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने होते थे तो हम क्या करते थे? मोलैरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करते थे, याद है? सेम वैसे ही यहां पर आपको इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट निकालने होंगे। तो आप इस फॉर्मूले की जगह ये वाला फॉर्म जरूर याद रखें। तो ऐसा करते हैं, बॉक्स हटाते हैं, बॉक्स मैंने बताया कि फॉर्मूला आ गया है इसलिए बॉक्स बनाया था। अब इस बॉक्स को हम करते हैं गायब, ठीक है, हम बॉक्स बनाएंगे दूसरी जगह। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नॉर्मेलिटी दैट इज एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वी इन लीटर्स। सही है? तो जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वैसे ही नंबर ऑफ, सॉरी मोलैरिटी नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। तो अगर आपको मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम से आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। अच्छा बताओ, जब यह वॉल्यूम लीटर में था तो हमें क्या मिलते हैं? मोल्स। अच्छा बताओ, अगर मैं यहां पर वॉल्यूम को मिलीलीटर्स में यूज कर लूंगा तो, हाँ वेरी गुड, यहां पर आपको क्या मिलते हैं? उसके मिली मोल्स। क्या होते हैं? मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो आप जानते ही हो, 1 मिलीमोल किसके बराबर होता है? 10^-3 मोल के बराबर, याद है ना?
तो जब हम वॉल्यूम मिलीलीटर्स में यूज करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, मिलीमोल्स। सेम चीज यहां पर, अगर आप यहां पर वॉल्यूम किस में यूज करोगे, मिलीलीटर्स में, तो आपको इक्विवेलेंट नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, और रिलेशन सेम वही है, 1 मिली इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10^-3 इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी आप इनको ना याद रखने की कोशिश मत करो, याद नहीं रखना, आप देखते चलो। मैं इनको, अपन लोग ना इनको क्वेश्चंस में इतना यूज करेंगे हम लोग इनको बार बार, कि आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ आपको डिफरेंस समझना है। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का, दिस वन इज आवर थर्ड फॉर्मूला। तीनों को मैं अभी समराइज भी करता हूं लेकिन ये फॉर्मूला 80% टाइम्स आप यूज करो। कितने परसेंट टाइम, 80% क्वेश्चंस में आप ये फॉर्म यूज करोगे, बाकी के 19% में आप सेकंड नंबर यूज करोगे, और 1% हम किसी और क्वेश्चन के अंदर यूज किया करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है तो आप उससे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। मैं बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सही है, तो एग्जैक्ट मोलैरिटी से रिलेट करके हमने नॉर्मैलिटी को डिफाइन कर लिया है, और ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अभी नॉर्मैलिटी खत्म नहीं हुई है, आपने जहां भी पढ़ा है जैसे भी पढ़ा है, नॉर्मैलिटी बहुत तेजी से पढ़ा दी जाती है ना, क्योंकि वो समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि जैसे मोलैरिटी आती है वैसे ही आपको नॉर्मैलिटी भी आती होगी। सच्चाई कुछ और होती है, कुछ बच्चों को तो मोलैरिटी भी समझ में नहीं आती, तो हम नहीं करेंगे इसके, चिंता मत करो। हम नॉर्मैलिटी का एक एक पहलू उठाएंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, क्योंकि जब तक आपको नॉर्मैलिटी से डील करना नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना नहीं सीख पाओगे। थोड़ा सा टाइम दो, उस पर भी मैं आऊँगा, बट अभी आप ये कॉपी करो, फिर मैं आपको अपने तीनों फॉर्मूले समराइज करता हूँ कि हमने तीनों कौन से फॉर्मूले पढ़े, और इन्हीं को यूज करके हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे। कॉपी करो, सो फाइनली हमने जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले सीख लिए, अब हम उनको समराइज कर देते हैं और इन्हीं तीनों को हम यूज किया करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला आपने सीखा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का, ne, दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास, तो मैं सिंबल फॉर्म में लिख लेता हूं, चलो पहले लिखते हैं गिवन मास अपॉन क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, या फिर अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग W by E लिखा करेंगे। यहां पर आप वेट से कंफ्यूज ना हो, या पहले सीख चुके हो केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों का मतलब क्या होता है सेम, कृपया यहां फिजिक्स ना लगाएं, वेट को mg मत लिख देना, है ना, कहीं पे रायता फैला दो आप। ठीक है, तो ये अपना पहला फॉर्म, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बताओ सेकंड फॉर्म क्या था, हाँ वेरी गुड, सेकंड फॉर्म था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, दैट इज एन ई, किसके इक्वल होगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर, जो हम बहुत ज्यादा यूज किया करेंगे, है ना। ऑल्दो आप देख ही चुके हो दोनों सेम ही है, मैंने सेकेंड फॉर्मूला फर्स्ट से ही डिराइव किया था। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हो तो नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर्स में। अगर आपने वॉल्यूम लीटर्स की जगह मिलीलीटर्स में ले लिया तो आपको नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ ग्राम मिली इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। यहां पर ग्राम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आपके लिए सेम ही चीज है। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। ठीक, तो ये तीन फॉर्मूले हमने यहां कैलकुलेट करने के लिए सीखे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए, और अब इन तीनों को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनके ऊपर तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा ही दिया था, एक छोटा सा क्वेश्चन हम नॉर्मैलिटी के ऊपर भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझसे कहता है कि आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं इन, है ना, ऐसे एग्जाम्पल है बस, सिंपल, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो अभी बनना नहीं आपके पास, 50 ml ऑफ मान लो 0.5 नॉर्मल NaOH
आपको एक्वा सोल्यूशन है NaOH का, उसमें आपको NaOH के इक्विवेलेंट्स निकालने, तो बहुत सिंपल है। अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो अभी आप देखो, पहले मैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लेता हूं। तो ना वॉल्यूम पढ़ते ही ये ml का टर्म आते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई अभी तो आपको मिली इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। यहां पर ना क्वेश्चंस में कई बार यही गलती होती है, मिली इक्विवेलेंट्स की जगह इक्विवेलेंट्स ले लेते हैं और फिर मिस्टेक हो जाती है। तो क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दिख गया तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, सबसे पहली चीज ये थॉट ही आना चाहिए कि मुझे मिली इक्विवेलेंट मिलने वाले हैं। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, 0.5 को हाफ लिख लूं तो आ गए 25 मिली इक्विवेलेंट। लेकिन आप देखो, मुझसे मिली इक्विवेलेंट नहीं पूछे, क्या पूछे हैं, इक्विवेलेंट्स पूछे हैं। तो बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, 25 इंटू 10^-3, दैट इज 0.025। ऑल्दो ये दिखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन ये बहुत डिफरेंस मेक करता है। आप देख सकते हो अगर आप मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट लिख लोगे तो 1000 का डिफरेंस आएगा आपके आंसर के अंदर, तो आपको नहीं करना है। खैर वो तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। क्लियर, चलो जी आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको आज कुछ चीज़ें सिखाई, मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट मास क्या होता है, हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अलग अलग वेराइटीज़। दूसरा हम लोगों ने बात की नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को डिफाइन किया और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के हमने ये ओवरऑल 3 फॉर्मूले डिस्कस किए। ठीक, तो ये तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मोल्स इनटू एन फैक्टर, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे मूव करेंगे, मैं आपको नॉर्मैलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट की, किसकी, इक्विवेलेंट कंसेप्ट की, इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या होता है, और उसी के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर एंटर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।